हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको लर्न टू रेड इंग्लिश लेसन टू कराऊंगी। वैसे तो मैंने इस लेसन के लिए आपको वन वीक का टाइम दिया था, बट मैंने यही सोचा है कि एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताने के बजाय मैं आपको, क्योंकि स्टार्टिंग के लेसन जो है काफी शॉर्ट और ईजी रहेंगे, तो हर एक लेसन के एंड में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टॉपिक या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताऊंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल मदर्स नॉलेज। जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसमें मैं डेली लाइफ से रिलेटेड टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और लर्न टू रेड इंग्लिश का कोर्स जो है आपको कराऊंगी। इस वीडियो सीरीज की जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आप मेरे चैनल पे जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन है कैपिटल लेटर बी। तो आपको फर्स्ट लेसन की तरह ऐसे फ्लैश कार्ड्स बना लेने हैं और फ्लैश कार्ड्स पे ऐसे आपको लेटर बी लिखना है। अगेन आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको बच्चे को लेटर बी बताना है, बेटा दिस इज लेटर बी। फिर उसके बाद उसको ट्रेस करने के लिए बोलना है। कैसे ट्रेस करने के लिए बोलना है, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल। देन आपको उसकी साउंड बतानी है, दिस इज लेटर बी। लेटर बी मेक्स ब साउंड, ब। देखिए मैंने आपको ए लेटर की साउंड बताई थी, ए, ए एज इन एप्पल, कैट। आपको सुनना होगा कि ए की साउंड जो है मैंने थोड़ा स्ट्रेच करके बोली है। जी हाँ, ए की साउंड को हम थोड़ा सा स्ट्रेच करके ऐसे बोल सकते हैं, बट बी की साउंड को आप ध्यान रखना, आपको स्ट्रेच नहीं करनी है। बी की साउंड को अगर आपने स्ट्रेच करने की कोशिश की तो वो वर्ड आपका रोंग हो जाएगा। बी की साउंड आपको सिर्फ ब ब ब इस तरीके से बोलनी है। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, क्योंकि स्टार्टिंग के लेसन काफी शॉर्ट और इजी हैं, बट फिर भी मेक श्योर कि आपके बच्चे ने इससे पहले वाले लेटर को अच्छे से रिकॉग्नाइज करना, उसकी साउंड को प्रॉपर साउंड आउट करना स्टार्ट कर दिया है, तभी आप नेक्स्ट लेसन पर मूव करें। मैंने आपको 3 दिन के लिए कहा था, अगर आपका बच्चा 2 दिन में कर लेता है तब सही, अगर आपके बच्चे को 4 दिन लगते हैं, 5 दिन लगते हैं, कोई बात नहीं, बट मेक श्योर आपका बच्चा उस लेटर को अच्छे से पहचान रहा है और उसकी साउंड को अच्छे से प्रोनंशिएट भी कर रहा है। और जिन बच्चों को ऑलरेडी लेटर और लेटर साउंड्स की नॉलेज है, जो पेरेंट्स अपने उन बच्चों को करा रहे हैं, तो आप उन नेक्स्ट लेसन्स पे मूव कर सकते हैं एक रिवीजन के साथ। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप पे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो है रिटन प्रैक्टिस करानी थी ऐसे स्लेट पे, या फिर आप बोर्ड पे करा सकते हैं। थर्ड स्टेप अगेन क्या रहेगा कि आपको लेटर बी की साउंड की पहचान करानी है कि लेटर बी की साउंड किन किन वर्ड्स में आती है। अगेन आपको वर्ड्स रीड नहीं करने हैं, सिर्फ साउंड की पहचान करानी है। आपको बताना है कि बेटा बी साउंड ब, ब एज इन ब, एट बैट, ट एब टैब, ab, cab, b, s, bus। आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने a की साउंड को थोड़ा स्ट्रेच किया है, ये अ को थोड़ा स्ट्रेच कर सकते हैं, बट b की साउंड को आपको स्ट्रेच नहीं करना है। अगेन मैं आपको प्रोनंशिएट करके दिखा रही हूँ b की साउंड को, b साउंड b, b। आप अपने थ्रोट पे ऐसे फिंगर रख के देखेंगे, अगर आपका थ्रोट वाइब्रेट नहीं कर रहा है b, b, तो आप बी के साउंड को करेक्ट प्रोनंशिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही आपको इन 3 स्टेप्स के साथ एक सेटिंग 5 मिनट की देते हुए दिन में 2 से 3 बार 3 दिन तक करना है। तो चलिए अब इस वीडियो के एंड में आज की ट्रिक की बात आती है। आज की ट्रिक ये है कि आपको ऐसे प्लास्टिक लेटर्स, जो एबीसीडी लेटर्स रहते हैं, ऐसे उनको परचेज कर लेना है। देखिए जैसे मैंने आपको फ्लैश कार्ड का बेनिफिट बताया था, इनका भी इक्वली बेनिफिट है। इनका इक्वली बेनिफिट कैसे रहेगा कि बच्चा आपका इनके साथ खेले तो सही, मीन्स आप उसको ये लगेगा कि हाँ मैं खेल रहा हूं, पर वो खेल खेल में मतलब रीडिंग भी करना सीखेगा। आप उसके साथ बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप कुछ ऐसा करिए, अपने बच्चे के साथ खेलिए इनके साथ, और उस अपने बच्चे का इसमें इंटरेस्ट क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर आपके बच्चे का इन लेटर्स में खेलने के साथ इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना, तो ये आपके बच्चे की इंग्लिश रीडिंग में बहुत ही हेल्प करेंगे। तो चलिए था आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।